मालिक मालिक दरवाजा खोलो। मालिक ये दरवाजा जो हमेशा खुला रहता था क्यों बंद कर दिया? यहाँ हर मजलूम की पुकार सुनी जाती थी, यहाँ गरज से थर थर कांपती थी। मालिक बताओ मालिक हम कहाँ जाएं, किससे कहें कि वाना हमारे सूखे हुए प्यासे खेतों से उगला हुआ मुट्ठी भर अनाज भी हमसे छीन लेना चाहता है। हमारे बच्चे आपके बच्चे हैं मालिक, ये मट्टी और पत्थर खाकर जिंदा नहीं रह सकते। मेरे जाने सारों, मेरे भाइयों, मैं बुजदिल हो गया, मुझ पर तरस खाओ। वाना मेरा बहनोई है, मेरी बहन का सुहाग है, मेरा फर्ज मेरे खून के समंदर में डूब गया है, मैं मजबूर हो चुका हूं। सिर्फ एक बहन के सुहाग के लिए इन सबको कुर्बान कर दोगे मालिक? वाना ने तुम्हारी बहन से शादी सिर्फ इसलिए की थी कि तुम्हारी तलवार छीन ले, हमारे बच्चों के पेट काट ले, हमारे जिस्मों को जख्मों से चली कर दे। बस करो सामिर, मैं और ज्यादा कुछ नहीं सुन सकता। कहो क्या चाहते हो? मालिक आओ अपनी तलवार निकालो और हमें आवाज दो, हम वाना के टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा देंगे। हम कुर्बान होने को तैयार हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम हजारों बेगुनाहों के खून से अपनी जमीन को सुर्ख लिबास नहीं पहनाना चाहते। हम इंसाफ चाहते हैं, लड़ाई नहीं। मैं तन्हा जाऊंगा और वाना से आखिरी फैसला करूंगा। मैं उसे मजबूर करूंगा कि तुम्हारे साथ इंसाफ किया जाए, और अगर नाकाम रहा तो लौट कर नहीं आऊंगा। खादिम हमारी तलवार लाओ और घोड़े पर जीन कसो। तुम जा सकते हो, आओ नासिर। आज कैसे रास्ता भूल पड़े? बहन की मोहब्बत खींच लाई या भांजे का प्यार? आप गलत समझ रहे हैं वाना, मुझे मजलूमों की आहें, यतीमों के सहमे हुए आंसू और दर्द से करहाते हुए जख्मी गरीब किसानों की चीख पुकार यहाँ खींच लाई है। नासिर हम तुम्हारी आंखों में अदब के बजाय गुस्सा देख रहे हैं, गुस्ताखी माफ नहीं की जाएगी। कहो किसकी फरियाद लाए हो? इंसानियत की, जो आपके जुल्म के सामने नंगी खड़ी कांप रही है, उन भूखे मासूम बच्चों की जिनके मुंह से अनाज का आखिरी दाना भी छीन लिया गया है, उन बेवा औरतों की जिनकी चक्कियां पत्थर नहीं पी सकती, उन बेगुनाह इंसानों की जिनके खेतों के सीने खुश्क होकर फट चुके हैं। दास्तान दिलचस्प है मगर हमारे पास वक्त नहीं, तुम जा सकते हो, निकल जाओ यहां से। सरकार ये आप किसे निकाल रहे हैं? क्या आप भूल गए कि ये मेरे भाई हैं? फरजाना मैं यहाँ तुम्हारा भाई बनकर नहीं आया हूँ, मैं फरियादी हूँ और इंसाफ के लिए वाना के पास आया हूँ। मेरी बस्ती के लोग जिंदगी और मौत के दुराहे पर खड़े हैं, अगर उन्हें इंसाफ न मिला तो वो आजादी के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। तुम्हारी बागियाना गुफ्तगू से ये जाहिर होता है कि तुम लोग गद्दार हो, हुकूमत से गद्दारी की सजा जानते हो? नहीं सरदार, मेरा भाई गद्दार नहीं। अगर हक और इंसाफ मांगना गद्दारी है तो मैं गद्दार हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, सच्चाई की राह में जान दे देना मक्कारी की 100 साल जिंदगी से कहीं बेहतर है। तो हम तुम्हें मौत की सजा देते। सरताज इन्हें माफ कर दो, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए। मेरी जान के लिए भीख मत मांगो फरजाना, जिंदगी खैरात देकर मैं जिंदा रहना नहीं चाहता। ले जाओ इसे और कले के उसी बुर्ज से नीचे फेंक दो जहाँ से इसके बाप को फेंका था। क्या तुम इतने गालिब, तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है? छोड़ो मुझे, मैं इस भेड़िए की कान उतार दूंगा। बकवास बंद करो, दे जाओ इसे, हमारे हुक्म की तामीर हो।
मुझे अफसोस है कि तुम मेरे बच्चे के बाप हो। नासिर के साथ हम भी अपनी जान दे देंगे। हम नहीं, सिर्फ तुम। मेरा बच्चा। चल भाई, मेरा बच्चा। चलो, ये जाओ। काले वो। चुप हो जाओ बेटा। चुप हो जाओ। अम्मी। ले जाओ उसे, मर जाना से कौन से सुना दे। तुमने हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल लिया, हम तुम्हारे एहसानमंद। मेरी खिदमत को एहसान ना समझो मेरे दोस्त, तुम बेगुनाह थे, तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। घोड़े आदमी सरकार, जाओ मेरे, मेरे आदमी तुम्हें महफूज जगह तक पहुंचा देंगे, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। शुक्रिया। चलिए चले आओ फरजाना, अब ये जगह हमारे लिए खतरे से खाली नहीं। तुम अपनी जान बचाकर चले जाओ भैया, मैं नहीं जाऊँ। क्यों? मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती भैया, उसकी जुदाई मौत से कहीं बदतर है। मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पर पहुंचाकर बच्चे को ले आऊंगा, मैं वादा करता हूँ फरजाना। मैं जिंदा रहकर उससे दूर नहीं रह सकती, मेरा लाल तो मेरी जिंदगी है, मैं तो उसे लेकर ही जाऊँ, नहीं तो इस दीवार से अपना सर टकरा कर अपनी जान दे दूंगी। ला दो मेरे लाल भैया। तुम बड़े मीनार के पास मेरा इंतजार करना। डालने के लिए चले आए? मुझे तुम्हारी मालकन के आंसू ले आए हैं, वो बच्चे के लिए तड़प रही है, मैं मुन्ने को लेने आया हूँ। वाना कहाँ है? वो दूसरे कमरे में अपने दोस्तों के साथ रंगालियां मना रहे हैं। आ बेटे, तुम्हारा क्या होगा? आप जाइए, मेरी फिक्र न कीजिए। सिपाही मेरा पीछा कर रहे हैं, इसको उठा दूंगा। चलो बैठिए बैठे।
उस वक्त कहाँ मर गई थी? जरूर मेरी आंख लग गई थी, आंख खुली तो। आंख क्यों खुली? ले जाओ उस चुड़ैल को और भूखे शेरों के सामने डाल दो। और तुम जब पहरे पर मौजूद थे तो मेरा बच्चा कैसे चोरी हो गया? कौन ले गया उसे? हजूर, हमने एक आदमी को जाते देखा था और उसका पीछा भी किया। फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? वो रात की तारीखी में छुप गया था। और तुम बुजदिलों की तरह अपनी नाकामी का रोना रोने मेरे पास चले आए? और रियासत का कोना कोना छान मारो। अगर मेरे बच्चे के बाहर जाओगे तो मैं तुम्हारी आगे निकाल लूंगा। क्या है? दोनों लाशों को दरिया में फेंक दिया है। जाओ। लीजिए रुपयों की थाली, कमांडर ने आपके लिए दी है। कमांडर सैफू से हमारा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना। तुम जा सकते हो। ये जगह कुछ महफूज दिखाई देती है, हम यहीं कयाम करेंगे। ना करो फरजाना, तुम बहुत जल्द अच्छी हो जाओगी। फिर मैं उस जालिम से अपने बाप का बदला लूंगा। ऐसा ना कहो भैया, मेरे बाद आए तुम ही तो इस बच्चे का सहारा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे मासूम बच्चे की परवरिश कौन करेगा? तुम वादा करो मेरा बच्चा कभी तलवार नहीं उठाएगा, और ना ही तुम। मेरे लिए, मेरी रूह की तस्कीन के लिए तोड़ दो ये तलवार भैया। हाय मेरा बच्चा। भैया, भैया। अम्मी, अम्मी, बोलते क्यों नहीं? अम्मी, अम्मी, क्या हो गया मेरी अम्मी? तुम्हारी अम्मी को नींद आ गई है बेटा, तुम बाहर जाकर खेलो, इन्हें आराम करने दो। जाओ बेटा, जाओ। गिर जाओगे बेटे, गिर जाओगे। नादिन, नादिन, सुनो सुनो। ओ सिलोनी, आओ खेले। Thank you.
लोगे अगर हमसे तुमको ये सजा देंगे जुल्फों से पकड़ लेंगे सीने से लगा लेंगे छेड़ोगे अगर हमको हम शर्म मचाएंगे सीने से छेड़ोगे अगर हमको मरने से नहीं डरते हम हैं तेरे परवाने जलने से नहीं डरते तुम आग लगाओगे हम आग बुझा देंगे जुल्फों से पकड़ लेंगे सीने से लगा लेंगे भागोगे अगर हमसे जमाने के हम मान गए तुमको गर हमको सताओगे हम तुमको सताएंगे सीने से लगाओगे तो आग लगा देंगे छेड़ोगे अगर हमको अदाओं से इन मस्त निगाहों से तुम तीर चलाओगे हम तीर दिखा लेंगे तुम हम पे यकीन रखना ये वादा हमारा है इस प्यार की बाजी में हम जान लगा देंगे आँखों में छुपा लेंगे इस प्यार की दुनिया को दुनिया से चुरा लेंगे दुनिया से चुरा लेंगे देखिए चल रोमन ओती कौन है अंदर आ जाओ आओ नौजवान बैठो पहचाना नहीं आप कौन है और कैसे तशरीफ लाए हैं मुझे कमांडर सैफू ने आपके पास भेजा है अच्छा अच्छा कैसे है कमांडर सैफू अच्छे हैं आपके लिए ये खत भेजा है मेरी बीनाई काफी कमजोर हो चुकी भाई सामिर जरा ये खत तो पढ़ना मेरे दोस्त आदाब वाना की पार्टी बहुत मजबूत हो चुकी है अब वो किसी वक्त भी बादशाह को कत्ल करके तख्त ताज पर काबिज हो सकता है अगर वो अपने इस नापाक इरादे में कामयाब हो गया तो न सिर्फ हम दुश्मनों के रहमो करम पे होंगे बल्कि हजारों औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो जाएंगे हमारे जासूस ने खबर दी है कि आपका बेटा नादिर बेहतरीन रुबाब से नहीं तलवार से की जाती है खूबसूरत रबाब है बजा भी लेते हो जी हाँ रबाब भी बजा लेता हूँ और कभी कभी इस रबाब से गुदगुदी भी करता हूँ होती और इसके बाद अक्सर गुदगुदी भी करता हूँ Thank you.
तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? मैं सच कह रहा हूं। देखना कहीं जख्मी ना हो जाए, ये हमारे दोस्त हैं। अच्छा, ये नौजवान कौन है? यही है नादिर, मेरा बेटा। तुम्हारी मशकूक निगाहों से जाहिर होता है कि तुमने हमारी बात का यकीन नहीं किया। मैं हैरान जरूर हूं, जो कुछ आपने कहा था उसके बिल्कुल बरक्स देख रहा हूं। मत समझो कि मेरे दिल में वतन पर कुर्बान होने का कोई जज्बा नहीं है। मैं अपने खून का आखिरी खतरा भी वतन के लिए कुर्बान करने को तैयार हूं, मगर मैं नादिर को इसके लिए कोई हुक्म नहीं दे सकता। एक किए हुए वादे की वजह से मजबूर। अगर वतन परस्ती का फर्ज नादिर को खुद जाने पर आमादा कर दे तो? मुझे कोई इनकार नहीं। अब इजाजत है, हम नादिर का बड़ा बेसब्री से इंतजार करेंगे। कमांडर सैफू से हमारा सलाम कहना, और यह भी कहना कि हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, एहसान फरामोश नहीं। सिपाही, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। नादिर, तुम चाहो तो अपनी तलवार उठा सकते हो। आज मैं बहुत खुश हूं बेटा। कमांडर सैफू का एहसान हम पर कर्ज है बाबा, आप मुझे इजाजत क्यों नहीं देते कि मैं जाकर आपके दोस्त की खिदमत करूं? आप खामोश क्यों हैं? क्या आप मुझे इस काबिल नहीं समझते? नहीं बेटे, ये बात नहीं। तुम्हारी तलवार के जौहर देखकर तो मेरा सर फखर से बुलंद हो गया है। तो फिर आप मुझे इजाजत क्यों नहीं देते? तुम्हारी अम्मी से किए हुए वादे की वजह से मजबूर हूं बेटा। उसने मुझसे अहद लिया था कि मैं तुम्हें सिपाही नहीं बनाऊंगा। औलाद माँ बाप की मिल्कियत सिर्फ उस वक्त तक होती है बाबा जब तक वो मुल्क और कौम की खिदमत करने के काबिल ना हो। जवान होकर मैं भी वतन की अमानत बन गया हूं, मुझे खुशी से रवाना कीजिए बाबा। अगर तुम्हारी यही मर्जी है बेटा तो मैं तुम्हें नहीं रोकता, तुम सुबह होते ही जा सकते हो। बाबा, बेटा मेरी दुआएं तुम्हारे साथ बेटे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। बेटी
खुद चूहा बोल रहा है। ये तो कोई गीदड़ मालूम होता है। गीदड़? मैं देखकर आती हूँ, गीदड़ की खूब मरम्मत करूंगी। काम चोर कहीं की, अपना काम कर। गीदड़ जाए भाड़ में। गीदड़ मैं? और क्या कहती, छोड़ो। कहतिया होता मैं तुम्हें सीटी बजाकर बुला। ये कहकर मैं माँ से मार खाती। वो तो पहले ही कहती है कि अब तुम जवान हो गई हो, अकेले में नादर से ना मिला करो। वो क्यों? बड़ी जो हो गई हूँ, टूटती क्यों नहीं? बहुत शरीर हो गई है, न जाने कुत्ते के पीछे कहाँ चली गई है। सलोनी, दिल लगी ना समझो सलोनी, मुझे सरकारी बुलावा आया है, कल सुबह जाना है, इसीलिए तो आया। तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? बदन को मेरी जरूरत है, उसकी खिदमत मेरी इबादत है। मैं एक सिपाही का बेटा हूँ सलोनी, अपने फर्ज को कैसे भूल सकता हूँ। नादिर, मुस्कुराओ सलोनी, तुम एक सिपाही की होने वाली बीवी हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मुझे खुशी खुशी अक्सत करो, मैंने हमेशा तुम्हें एक बहादुर लड़की समझकर प्यार किया। मेरी फिक्र मत कर, और हाँ माँ को तंग मत करना, तुम तो अच्छी लड़की हो ना। छुट्टी मिलते ही मैं वापस आ जाऊंगा, खत भी लिखूंगा, तुम घबराने मत। लो बेटा, इस खत को संभाल कर रखना, कमांडर सैफू को दे देना, और इसके मुतालिक से जिक्र न करना। क्यों बाबा? इसलिए बेटा कि तुम्हारे दुश्मन बहुत ज्यादा है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे दुश्मनों की तादाद दोस्तों से बढ़ जाए। बहुत अच्छा बाबा, जाओ बेटा, सैफू की इज्जत को मेरी इज्जत समझना, जान चली जाए मगर आन पर आँच न आने पाए। आप मुतमईन रहें बाबा, हमारे सर कट सकते हैं लेकिन दुश्मनों के सामने झुक नहीं सकते। जो सिर्फ मरने के लिए पैदा होते हैं उन्हें जिंदगी से कभी प्यार नहीं होता। बाबा मैं एक सिपाही का बेटा हूं और सौम और मुल्क की खातिर जान कुर्बान करते। जो बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं।
सदा दी है, मंजिल ने पुकारा है, चाहों ने सदा दी है, मंजिल ने पुकारा है, जा शाख सजा तुझको, जा शाख सजा तुझको, रहमत का सहारा है। बदलेंगे मुसरत में सब रंज आलम तेरे, बदलेंगे मुसरत में सब रंज आलम तेरे, एक राज नहीं दुनिया चूमे भी कदम तेरे, चूमे भी कदम तेरे, ईसा है वही जिसने बिगड़ी को संवारा है, जा शाख सजा तुझको, रहमत का सहारा है, रहमत का सहारा है। नादिर मुझे अपना वालिद समझता है, वक्त आने से पहले ये राज सिर्फ आपके और मेरे दरमियान महफूज रहेगा। नादिर, मुझे यकीन है कि तुम एक अच्छे सिपाही साबित होगे, और सिपाही का मकसद है कि अपने मुल्क के लिए जान दे दे। मैं अपने फर्ज से आशना हूं मुकद्दस सैफ, मेरी रगों में बहते हुए खून का हर कतरा कौम की अमानत है, और मैं इस अमानत में खयानत नहीं कर सकता। मैं एक सिपाही हूं। शाबाश नादिर, हम बहुत खुश हुए तुम एक वतन परस्त मुजाहिद हो, आज से तुम हमारे खास दस्ते में शामिल कर लिए गए हो। ले जाओ इसे और इज्जत से अपने साथियों से मिलाओ, ये हमारा दायां बाजू है। शुक्रिया मुकद्दस सैफू। और सुनो, अपने साथियों से कह दो नादिर को तलवार चलाने की मश्क कराएं। क्या बात है, बड़े काम रहे हो? बुखार चढ़ गया था क्या? हाँ, अभी अभी उतर के खिड़की के जरिए गया। आप लगे हाथों ताश की बाजी हो जाए, और ताश की बाजी हो जाए। नहीं भाई, मैं नहीं खेलूंगा भाई, अब गुस्सा थूक दो, आओ रुको। चलो, ए ये थूक गया, थूक यार, बड़ी बदतमीज हो तुम, होंगे खुद बांटो बांटो। क्या करो शेरी, लो भाई अपने नए साथी से मिलो,
नादिर ये तुम्हारे खास दोस्त हैं और कमांडर सैफू का हुक्म है कि आप लोग नादिर को तलवार चलाना सिखाएं। कमांडर साहब भी हमारा मजाक उड़ाने लगे। हमने उन लोगों से नादिर की तारीफ सुन ली है जो इसके हाथ देख चुके हैं। मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। उम्मीद है आप लोग मुझे अपना दोस्त समझें। जरूर जरूर। अरे हटाओ भाई अपने इस गोरखर को। घबराओ नहीं, कुछ नहीं कहेगा। घबराओ नहीं यानी कुछ नहीं कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। सुनिए आपने मालिक का हुक्म। रोमर मोती को ले जाओ। मैंने कहा ये सारा खानदान अपने साथ ही ले आए हो। सिर्फ तुम्हारी कमी थी तो तुम यहाँ मौजूद हो। वो तुम पूरी कर लो। अब तो आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। रुस्तम तुमने कमांडर का हुक्म नहीं सुना, नादिर को तलवार चलाने सिखा। माफ करना मैं भूल गया था। आऊंगा तुम्हें तलवार सिखाऊं। आओ बच्चे आओ आओ आ जाओ आ जाओ। निकल दिया। अरे इतना भी नादिर वही पुरानी जगह यानी कावा खाना। कावा खाना आहा हा हा। फिर तो मजा आ जाएगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, मैं सबका ढोल बजाऊंगा। कमांडर साहब खुफिया तौर से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। एक माह में उसने 300 नए सिपाही भर्ती किए हैं। हमें आज इत्तला मिली है कि उसने एक अजनबी नौजवान को अपने खास फौजी दस्ते में रखा है। तुम लोगों में से कोई जानता है कि वो कौन है और कहां से आया है? हमें उसके बारे में भी कोई। अब हमें तख्त शाही पर देखें। क्या मैं उन जानसारों में से नहीं? तुम तो हमारी मलिका हो। मोहब्बत नवाजी का शुक्रिया। लाफानो मेरे जानसार बहादुर, अब बहुत जल्द मुझे तुम्हारी तलवार की जरूरत पड़ेगी। मैं उसे अपनी खुश नसीबी समझूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि आप पर अपनी जान कुर्बान करके अपनी वफादारी का चिराग रोशन कर दो। शाबाश, मगर इस वक्त हम ये चाहते हैं कि ये सब शमे गुल कर दें। तुम लोग जा सकते हो। हसीना एक जाम बनाओ। जवानी ढलने दो।
खिलौना तुम्हारे बस का नहीं, मुझे तुम्हारी जवानी पर रहम आता। मैं एक रकासा के लिए तुम्हारे खून से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। जो हाथ औरतों पर उठते हैं वो खून से नहीं मेहंदी से रगे जाते हैं। मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर करने के लिए हाजिर हूं। अच्छा, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन था।
क्या रास्ता। ओहो, आप बैल मुझे मार। ये था कौन? तुम नहीं जानते? ना। ये लाफानो था, वाना का सबसे बड़ा तलवारबाज। अच्छा किया उसका मकरूर सर कुचल दिया, मगर वाना लाफानो की इस बेइज्जती को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो इसकी शिकायत शहंशाह से जरूर करेगा। करने दो शिकायत, नादिर का इसमें कोई कसूर नहीं। लेकिन अब मुझे करना क्या चाहिए? अरे छोड़ो यार, घबराते क्यों हो? तुम मेरा नाम ले देना। परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारी ऐसी झड़पें अक्सर हुआ करती हैं। ये कोई मामूली झड़प नहीं, हमें इसकी इत्तला कमांडर को जरूर करनी चाहिए ताकि वो मामला संभाल ले। आओ चलें। नहीं, तुम लोग यहीं बैठो, चलना है तो फिर आगे आगे मैं और पीछे पीछे तुम। मैं तुम्हारी शरारतों से तंग आ चुका हूं। तुम लोग ये अच्छी तरह जानते हो कि वाना इस वक्त अली जा के मुंह चढ़ा हुआ है, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बात नहीं आते। नादर तो इस लड़ाई को दरअसल मजाक समझता रहा, लेकिन जब लाफानो ने भरपूर हमला किया तो इन्होंने एक ओछा सवार करके उसे मामूली सा जख्मी कर दिया। तुमने वाना के सबसे बहादुर शमशीरबाज को जख्मी किया है नादर। खैर, फिर करने की कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। मुझे आलीजा ने याद फरमाया है, मैं चलता हूं, तुम लोग मेरा यही इंतजार करना। वाह बेटा, खूब मौके पे लाया। वाह 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 वाह, आओ दोस्तों, नादर की फतह की खुशी में एक एक जानती है। आलीजा, आपने मुझे याद फरमाया। हाँ सैफ, ये बताओ तुम्हारे सिपाहियों ने, यानी कि तुम्हारे दस्ते के हमारे सिपाहियों ने वाना के सिपाहियों के से क्यों लड़ाई की, क्यों झगड़ा किया, क्यों तलवार चलाई? जवाब दो। मुझे अपने सिपाहियों की गलती का एहसास है आलीजा। मैं तो खुद वाना के पास माजरत के लिए जा रहा था कि हुजूर के तलब करने पर यहाँ चला आया। क्या वाकया हुआ? कोई ऐसा बड़ा वाकया नहीं हुआ था हुजूर, उन लोगों की आपस में मामूली सी झड़प हो गई। कमरू, मुझे हैरत है कि आप इसे मामूली सी झड़प कहते हैं, जबकि मुल्क का सबसे बड़ा तलवारबाज लाफानो जख्मी हो गया। हमारा बहादुर लाफानो जख्मी हो गया? किसने ये जुर्म किया है? हम उसे, कितना बड़ा तलवारबाज, तलवार से कैसे जख्मी हो गया? कमांडर सैफू के दस्ते के एक अजनबी लड़के ने उस पर धोखे से वार किया। मैं उस नौजवान को सख्त सजा दूंगा जिसके हाथ में इतना बड़ा तलवारबाज जख्मी हो गया और कत्ल होते होते बचा। हाँ, कत्ल होते होते बचा? जी हाँ, दरअसल वो नया सिपाही लाफानो के नाम से वाकिफ न था, वरना वो कभी उसका मुकाबला करके उसे जरा। कौन है वो नौजवान जिसने हमारे नामवर बहादुर को जख्मी किया है? वो कल ही मेरे फौजी दस्ते में भर्ती हुआ है। मगर आपने उसका सब नसब जाने बगैर शाही फौज में भर्ती कैसे कर लिया? मैंने उसे अपनी जिम्मेदारी पर भर्ती किया आलीजा। क्या नाम है उसका? नादिर। वो नौजवान बड़ा बहादुर और बला का तलवारबाज है आलीजा, जिसका सबूत आपको मिल चुका है। उसने लाफानो जैसे बहादुर को चूहे की तरह नचा दिया। बहरहाल मैं आज ही उसे बरतरफ किए देता हूँ। ना ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं। ऐसे बहादुर को हम देखना चाहते हैं, उसे इसी वक्त हमारे हुजूर में पेश करो। हम उसे 4 बार फांसी देने की बजाय 8 बार इनाम देंगे। बहुत खूब, मैं उसे अभी आपके हुजूर पेश करता हूँ। फिर फौरन पेश करो, हम ऊंची कुर्सी पर बैठ कर इंसाफ करेंगे। वाना, तुम भी जा सकते हो और जाकर अपने लाफानों की मरहम पट्टी करो, जो एक मामूली सिपाही के हाथों से पिट गया है। लाफानो खादिम, हमारा जुब्बा और ताज लाओ, हम इंसाफ करने जा रहे हैं। जल्दी करो, हमारी प्यास को भूख लग रही है। तुम्हारी शिकस्त ने आज मुझे जलील कर दिया है लाफानो। तुम एक छोकरे के हाथों जख्मी हो गए। नादर ने मुझसे मुकाबला करके अपनी मौत को आवाज दी है, मैं उससे बदला लेकर आऊंगा। हम सब हैरान हैं, लाफानो जैसा तलवारबाज नादर से मात कैसे खा गया। मेरी तरफ से नादर को सालाना जश्न के मौके पर मुकाबला करने की दावत भेज दे, आलीजा और सब लोग वहां मौजूद होंगे, फिर मालूम हो जाएगा लाफानो क्या बड़ा है। शाबाश मेरे बहादुर, हमें यकीन है कि तुम दादर को खत्म कर दोगे और हमारी लूटी हुई इज्जत वापस लौटा दोगे। अब आराम करो, हम तुम्हारा दावतनामा भी नादर तक पहुंचा देंगे। आओ हसीना।
कालीजा, नादर आपके हुक्म के मुताबिक हाजिर है। उसे हमारे हुजूर में ले आओ। ये नादर कौन है अब्बा हुजूर? ये एक नया सिपाही हमारी फौज में भर्ती हुआ है। बड़ा चालाक तलवारबाज है। उसने लाफानो जैसे बहादुर को शिकस्त देकर जख्मी कर दिया है। हम उसको सख्त सजा देंगे। नौजवान, तुमने लाफानो को क्यों जख्मी किया? जल्दी बताओ, वरना हम सुनने से पहले इंसाफ कर देंगे। मैंने उसे किसी दुश्मनी की बिना पर जख्मी नहीं किया आलीजा। मैं तो अपने फन का इम्तिहान ले रहा था। बहादुर लाफानो अचानक जख्मी हो गया। अच्छा अच्छा, शाबाश। तुम्हारे इस कारनामे ने हमारे दिल में इश्तियाक पैदा कर दिया था कि हम तुम्हें देखें। हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हुए। अब तुम बोलो कि हम तुम्हें क्या इनाम दें। छावर मांगो। ये शहजादी रजाना है, हमारी बेटी, हमारे तख्त की वारिस। आदाब बजा लाओ। मैं ऐसी बेअदबी नहीं कर सकता हुजूर। मैं तो उस रबाब की तरफ देख रहा हूं। इतना खूबसूरत रबाब मैंने कभी नहीं देखा। ओ अच्छा अच्छा, खूब खूब। तो तुम रबाब भी बजा लेते हो? जी हाँ, मामूली सा। और शायद मामूली सा गा भी लेते हो? जी, लेकिन इस काबिल नहीं कि आपके हुजूर गुस्ताखी कर सकूं। इनका सारी छोड़ो, हम हुक्म देते। जल्दी सुनाओ, शहजादी का हुक्म ठंडा हो जाएगा। गाओ। खुशी से झूम रहा दीवाना का परवाना, जल जाएगा परवाना। आज खुशी से झूम रहा है एक परदेसी दीवाना। शोख अदाएं मस्त निगाहें, लाल गुलाबी गाल, लाल गुलाबी गाल। फिदक फिदक कभी चले जवानी, एक मस्तानी चाल। ऐसे तीर चले तो एक दिन, ऐसे तीर चले तो एक दिन, लुट जाएगा मस्ताना। आज खुशी से झूम रहा है एक परदेसी दीवाना। भटकी भटकी फिरे जमानी, सुनी सुनी मैं पिल है, सुनी सुनी मैं पिल है। खोई खोई नजरे सबकी, सहमा सहमा हर दिल है। आवारा फिरते हैं सावर, आवारा फिरते हैं सावर, काफी है ना मैदाना। आज खुशी से झूम रहा है एक परदेसी दीवाना। आते जाते रहे मुसाफिर, लगा रहे बाजार, लगा रहे बाजार। ये लाफानों को जख्मी करने का इनाम है। ओह अब अगर तुम किसी बादशाह को जख्मी करोगे तो हम तुम्हें अपनी तलवार देंगे। नहीं 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 नहीं, तुम जा सकते हो। ऐसे बहादुर को एक बड़ा अफसर होना चाहिए बहादुर। बिल्कुल ठीक है। नादर,
हम आज से तुम्हें अपने हिफाजती दस्ते का सालार मुकर्रर कर दें। बंदा नवाजी का शुक्रिया अलीजा। अब हमें चलना चाहिए, हमारी प्यास खुल रही है। कौन थे ये लोग? मैं तो नहीं जानती, मैं जा रही थी कि अचानक इन्होंने हमला कर दिया। कहीं चोट तो नहीं आई? चोट तो खास नहीं आई, मगर दर्द बहुत हो रहा है। आई कहाँ रहती हो? यही करीब ही। चलो मैं तुम्हें छोड़ा। अब कुछ आराम महसूस हुआ। तुम ना आते तो न जाने मेरी क्या हालत हो जाती। कितनी दूर है तुम्हारा घर? यही तो रंज है कि बहुत करीब है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आए और अंधेरे कुएं में फेंक दो। वाना अजनबी लोगों से सख्त घबराता है, तुम्हें जरूर इनाम मिलेगा। जाओ। Thank you.
रो मत बस। नादर तो जख्मी मालूम होता है। भला जनाब इस वक्त नहाने की क्या दुख थी और वो भी कपड़ों समेत, खैरियत तो है? फिलहाल तो खैरियत ही है, शुक्र है कि हड्डी नहीं टूटी। लेकिन नादर तुम्हें जख्मी किसने किया? या फिर किसी कहवा खाने में पहुंच गए होंगे छुरी चाकू खाने के लिए। बकुमत पहले वाका तो सुन लो। वाकया कोई खास नहीं है, अंधेरे में आ रहा था कुएं में गिर गया। लाफानो तुम हमारी इज्जत हो, जशन के मुकाबले में नादर को ऐसी इब्रतनाक सजा दो जिससे तुम्हारी टूटी हुई इज्जत और शोहरत वापस मिल जाए। आप यकीन रखें अब वो मेरे हाथ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। हम भी यही चाहते हैं कि कमांडर सैफू की तनी हुई गर्दन हमारे सामने झुक जाए। उसकी गर्दन मैंने झुका दी है, अब उसे काट लेना चाहिए। आओ असीना बैठो, हम तुम्हारी पहली नहीं समझ सके। ये लीजिए शाही इनाम जो नादिर को अता किया गया था। तुमने ये कहाँ से लिया? नादिर कहाँ है? अंधे कुएं की तह में। तो क्या नादिर को खत्म कर दी? हाँ। तुमने बहुत बड़ी गलती की खातून हसीना, आपने मेरे अरमानों का खून कर दिया है। मेरी प्यासी तलवार न्याम में तड़प रही है, मैं अपना बदला लेने के लिए पागल हो रहा हूँ। तुम तैयारी करो, मुकाबले के मैदान में उतरो, नादर को ललकारो जैसे तुम्हें कुछ खबर नहीं कि नादर कहाँ है। समझ गए? जी हाँ, अब तुम जा सकते हो। अफसरों की बड़ी बातें। बाजू का क्या हाल है? अरे बाजू की फिक्र ना करो, अगर इन्हें जरूरत पड़ी तो मेरे बाजू भी ले जाएंगे दो से चार घरे। यार बड़े बेवक्त जख्मी हुए। मगर ये आप लोग इतने घबरा क्यों रहे? घबराने की कोई बात नहीं, हमारा हर जाबाज लाफानों से भारी है। दरअसल उसने तुम्हें नारी समझ के ललकारा है। जख्मी हालत में मुकाबला करना अच्छा नहीं, वो सब लोग मुझे बुजदिल समझेंगे। लेकिन लोग मुझे भी तो बुजदिल समझते हैं, लेकिन जब उन पर वक्त पड़ता है तो भागने में मुझसे भी तेज भागते हैं। अच्छी बात है। हाँ। जैसे सब दोस्तों की मर्जी। वैसे रुस्तम साहब, जनाब साहब, मैंने आपको अपनी अर्दल में ले लिया है जी। तशरीफ ले आइए, आइए। मैंने मुझे अर्दल में ले लिया है, वहाँ नीले पीले दुपट्टे और गोरे गोरे बाल, लंबे लंबे गाल, नहीं नहीं लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे गाल, और यहाँ खटमल लगाते। आप लोग यहाँ रहिए, बंदा तो वहाँ चला, हट जाओ। सुनी? हाँ? सुना तुमने? क्या नादिर बहुत बड़ा अफसर बन गया है? तुमने कुछ सुना?
Thank you.
प्यार तुम्हें गुदगुदाती है क्यों बाहर तुम्हें हो गया है किसी से प्यार तुम्हें अपना चल दबा के दांतों में तेरे लब मुस्कुरा रही हो तुम साफ जाहिर है इन नदाओं से बात कोई छुपा रही हो तुम बात कोई छुपा रही हो तुम छेड़ता है ख्याल यार तुम्हें हाय हो गया है किसी से प्यार तुम्हें गुदगुदाती है क्यों बाहर तुम्हें प्यार तुम्हें लाख हमसे छुपाओ हाल अपना बात छुपती नहीं छुपाने से चाहती हो गया मिले कोई फायदा क्या नजर झुकाने से फायदा क्या नजर झुकाने से प्यार तुम्हें गुदगुदाती है क्यों बाहर तुम्हें हो गया है किसी से प्यार तुम्हें किसी ये बल पड़े हैं माथे पर हम तो हर बात मुंह पे कहते हैं हाय जिन हसीनों के दिल पे चोट लगे रात दिन क्यों बाहर तुम्हें हो गया है किसी से प्यार तुम्हें गुदगुदाती है क्यों बाहर तुम्हें हो गया है किसी से प्यार तुम्हें तुम पहले बोर्ड पे जाओ तुम दूसरे पर तीसरे पर बहुत ऊंचा है तुम्हारी रसाई यहां तक मुमकिन है कभी कभी फूल तोड़ा तलवार चलाने से ज्यादा मुश्किल काम बन जाता है नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं आप जरा फूल की तरफ देखिए जाओ सिपाही तुम्हारी रसाई हर जगह मुमकिन मैं अपना मकाम पहचानता हूँ शहजादी साहब खाक का जर्रा आसमान का तारा नहीं बन सकता
नादर को अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। आप बजा फरमाते हैं तो जाओ, मेरे हुक्म के मुताबिक अमल करो। आप बेफिक्र रहें, मेरे जाने साथ आपके खादिम। आओ मेरे साथ। मुझे यकीन है आपका ये वार खाली नहीं जाएगा। सरकार, इस किसान ने अभी तक लगान की रकम अदा नहीं की और मुकाबला करके हमारे दो सिपाही को जख्मी कर दिया। तुम्हें यह जरूरत कैसे हुई? जवाब दो। हुजूर, बारिश न होने तमाम खेत सूखे पड़े हैं, अनाज का एक दाना भी पैदा नहीं हुआ। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं लगान किस तरह अदा कर सकता हूँ? आपके सिपाही हर रोज हम पर जुल्म करते थे, मजबूरन ये गलती हो गई। हुजूर, ये गलती माफ नहीं की जाएगी। ले जाओ इसे और इसकी गर्दन उड़ा दो। बहन कीजिए हुजूर, मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी। ले जाओ इसे। बहन कीजिए हुजूर, खुदा के लिए मेरे बच्चे को यतीम न बनाइए। वाह 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 वाह, खुदा के लिए मेरा सुहाग न उजाड़िए, मेरे बच्चे के सर से बाप का साया न छीनिए, अपने बच्चों के सदके मेरे बच्चे को यतीम होने से बचा ले। बाबा बाबा बाबा, छोड़ दो इसे, जाओ किसान, हमने तुम्हारा लगान माफ किया और तुम्हारी जान भी बख्शी। ले जाओ अपने बच्चे को। खुदा आपको सलामत रखे और आपके बच्चों को हर बला से महफूज रखे। क्या बात है, आप मगमून क्यों हो गए हैं? मैंने अक्सर देखा है आप कभी कभी किसी गहरी सोच में खो जाते हैं और आपसे बहादुर की आंखों में नमी चमकने लगती है। हसीना, मेरे साथ कुछ ऐसे गम भी हैं जिन्हें मैं सब कुछ मयस्सर होने के बावजूद नहीं भुला सकता। तुम मेरे लिए एक जाम बनाओ और मेरे गम भूल जाओ। बच्चे है क्या करता है ये? अबे सोने दे। क्या बेटा, अबे ये आके हमें दिखाता है, नहीं मानेगा है जा। तू कुत्ता, तेरा पाप कुत्ता। ले तू आ जाओ ऊपर, आओ इधर आ, बैठ जा। चलो तू सो जा, मैं नहीं सोता। ले ले भाई, ये ले सो जा। चल
गिरफ्तार कर लो इस बागी मुजरिम को। मैं मुजरिम नहीं हूँ, मैंने तो आलीजा की जान बचाई। दगाबाज, झूठ बोलकर हमें धोखा देना चाहता है। बताओ आलीजा पर कातिलाना हमला क्यों किया? किसने हमें कसम खा लिया? क्या वाकई हम मर गए? क्या हुआ, ये कैसा शोर है? इस नमक हराम ने आलीजा के सीने में तेज धार खंजर घोंपने की कोशिश की। अगर हम होशियार न होते तो इस वक्त आप यतीम हो चुकी होती। मैं बेगुनाह हूँ शहजादी, एक शख्स आलीजा को कत्ल करने के गरज से इस कमरे में दाखिल हुआ, मैंने उसका पीछा किया और इससे पहले कि वो शख्स अपने नापाक इरादे में कामयाब होता मैंने खंजर छीन लिया, वो इस दरवाजे से फरार हो गया। तुम्हारे हाथ में खुला खंजर क्या इस बात का सबूत रही कि तुम मुजरिम हो? पहचानिए शहजादी साहबा, ये वही खंजर है जो आलीजा ने मुझे जख्मी करने के सिले में इसे इनाम दिया था। जवाब दो, क्या अब भी तुम अपने जुर्म से इनकार कर सकते हो? ये दगाबाज एक बहुत बड़ी साजिश के तहत यहाँ आया था, मैंने इस पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अपने खास सिपाही मुकर्रर कर दिए थे और आज तो खुफिया गश्त पर मैं खुद मौजूद था। आलीजा ने तुम्हें जर्रे से आफ्ताब बनाना चाहा, मगर तुमने उसका बदला ये दिया। ये महलों के खेल मेरी समझ से बाहर, लेकिन मुझे गद्दार कहने वाला जिंदा नहीं रह सकता। ले जाओ इसे और शिकंजे में झकड़ दो, रात भर इसकी पीठ पर कोड़े बरसाओ और सुबह होते ही फांसी दे दो ताकि लोग देखें कि शहंशाह से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। ले जाओ, तशरीफ ले चलो, अब तो मेरे जख्म भी भर चुके हैं। हमारा कातिल चला गया, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं वाना, हम तुम्हें माला माल कर देंगे, अब तुम जा सकते। पर कोड़े बरसाओ, मगर ध्यान रहे कि सुबह होने तक इसे जिंदा रहना चाहिए। शहजादी साहब तशरीफ लाइए। शहजादी यहाँ क्यों आई? अभी मालूम हो जाएगा कि इसे नादर की मोहब्बत खींच लाई है या अपने बाप का इंतकाम। शहजादी, मैं इस आजाद की परवाह नहीं करता और इस शाही सलूक से बचना भी नहीं चाहता। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन यह जिल्लत हमेशा हमेशा के लिए मेरे खानदान के माथे पर एक बदनुमा धब्बा बन जाएगी कि मैंने आलीजाह पर मुजरिमाना हमला किया। तुम गद्दार हो, बागी हो, मैं तुम्हारी हिमायत करने नहीं आई, सिर्फ तुम्हारा असली रूप देखने आई हूँ। आप भी मुझे गद्दार समझती हैं शहजादी? हाँ, एहसान फरामोश कातिल, हमने तुम्हें चिराग समझकर महल में रोशन किया, मगर तुमने आग बनकर उसी महल को जला देने की कोशिश की। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, कोई और है जो आजाद है और तुम्हारे करीब तर है। बात का रुख बदलने की कोशिश न करो नादिर, हम अपने दोस्त और दुश्मनों को खूब जानते हैं। हुकूमत ने तुम्हारे जहनों पर जहालत के पर्दे डाल दिए, तुम लोग कुछ नहीं जानते। जाओ शहजादी, इससे पहले मैं तुम्हें शहजादी कहकर मुखातिब करना मुनासिब न समझू। लेकिन अब मैं खुश हूँ कि कल का सूरज तुम्हें न देख सकेगा। ये अच्छा हुआ, शहजादी को भी यकीन हो गया कि वाकई नादर मुजरिम है। अब सैफू की गर्दन तक पहुंचना बहुत आसान हो गया।
दुख हुआ है कि आली जा ने मेरी वफादारी को शक की नजर से देखा है। हमें भी दुख हुआ है कि तुमने हमारी साथ गद्दारी की। आली जा, आप मुझे सूली पर चढ़ा सकते हैं मगर बगैर किसी सबूत के गद्दार नहीं कहते। कमांडर सैफू, अगर तुम गद्दार नहीं तो बता, मैं इसकी गर्दन उड़ा देता। शाबाश सैफू, हमें यकीन है कि तुम सच कह रहे। ठहरिए आलीजा, ये झूठ बोल रहा है। आपका वफादार उस बागी छोकरे की जान बचाना चाहता है जिसने आप पर कातलाना हमला किया। अगर वह तेजधार खंजर आपके सीने में उतर जाता तो हमारी शहजादी यतीम हो जाती, ये मुल्क वीरान हो जाता और हम सब बेआसरा और बेसहारा रह जाते। तुम ठीक कहते हो। गुस्ताखी माफ आलीजा, आपका इंसाफ सो गया है। आपके कान सच्चाई सुनने से नाशना हो गए हैं। आपकी आंखों को अच्छा बुरा देखने की तमीज नहीं रही। कमांडर सैफू, आलीजा ने बड़ी सूझबूझ से काम लेकर यह फैसला किया है कि तुम नादर को एक हफ्ते के अंदर अंदर पाबदंजीर आलीजा के हुजूर में पेश करो और उस वक्त तक तुम हिरासत में रहोगे। और अगर तुम नादर को पेश न कर सके। वो बाबा को जंजीरों में जगह से ले गए और घर को आग लगा दी। वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे, मैं कुछ न कर सकी। तुमने ठीक किया, लेकिन सामिर कहाँ? मैंने सामिर को जाते नहीं देखा कहीं। नासिर, अगर जिंदगी प्यारी है तो अब भी मेरे बेटे का पता बता दे। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन मरने से पहले ये आरजू जरूर है कि तेरे रहम दिल में नस्तर चुभोकर उसे छलनी कर दूं। सुन, तेरा बेटा मरा नहीं, जिंदा है। कहा है? हाँ, मैंने उसे कत्ल नहीं किया, अपने बेटे की तरह पाल कर जवान कर दिया है। मैं 20 साल से बेटे की याद में तड़प रहा हूं। मुझ पर रहम कर नासिर, मुझे मेरे बेटे का पता बता दे, मैं तुझे बाइज्जत रिहा कर दूंगा। मुझे रिहाई की जरूरत नहीं। जिद्दी बूढ़े, अब मैं जबरदस्ती ये रात तुम्हारे सीने से निकाल कर रहूंगा। बता मेरा बेटा कहां है? बेरहम इंसान, तू जितना जुल्म कर सकता है कर ले, लेकिन मुझसे बेटे का राज नहीं मालूम कर सकेगा। नासिर, खुदा के लिए मुझसे ये इंतकाम न ले। जालिम, तूने खुदा का वास्ता देकर मुझे तरस खाने पर मजबूर कर दिया है। तो फिर बता दो, मैं भी उसे बुलाकर अपने सीने से लगा लूंगा। इस वक्त नामुमकिन है, इंतजार करो, किस्मत खुद तुम दोनों को एक दूसरे के सामने ले आएगी। धोखा तो नहीं दे रहे? ये किसी दगाबाज का नहीं, नासिर का कौल है। अगर ये झूठ हुआ तो ऐसी सजा दूंगा कि शैतान भी पनाह मांगे। शैतान तो तुमसे इस वक्त भी पनाह मांग रहा है। तुम गद्दार हो, बागी हो, मैं तुम्हारी हिमायत करने नहीं आई, सिर्फ तुम्हारा असली रूप देखने आई हूं। Oh,
तुम्हारा निशाना, सितंबर तुम्हें कह रहा है जमाना, ये दिल ही नहीं है तुम्हारा निशाना, सितंबर तुम्हें कह रहा है जमाना, ये दिल ही नहीं है तुम्हारा निशाना। ने वो गम दिया है ना हम कह सके कि किसी से फसाना, ये दिल ही नहीं है तुम्हारा निशाना। जमाने को हम की खबर हो न जाए, हंसी में पड़ा आंसुओं को छुपाना, ये दिल ही नहीं है तुम्हारा निशाना। कटती नहीं है दरीद की रातें, याद आती हैं प्यार की बातें, कटती नहीं है दरीद की रातें, याद आती हैं प्यार की बातें, तुम्हारी कसम हम तुम्हें भूल जाए, अगर छोड़ दो तुम ख्यालों में आना, ये दिल ही नहीं है तुम्हारा निशाना। दादर तुम यहाँ क्यों चले आए? वाना के सिपाही मेरे बाबा को पकड़ कर ले आए और इस सिलसिले में मैं कमांडर से मिलने आया। लेकिन कमांडर को भी तो वाना ने गिरफ्तार कर लिया है। वो क्यों? तुम्हारे फरार हो जाने की वजह से उसे एक हफ्ते की मोहलत दी गई है ताकि वो तुम्हें पेश कर सके, वरना उसे भी फांसी दे दी जाएगी। जालिम वाना सिर्फ मेरी वजह से इन दोनों की जान लेना चाहता है और ये नहीं हो सकता। मैं भी जाकर अपने आप को पेश किए देता हूँ। अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है, जरा ठहरो, अभी जाने की जरूरत नहीं, हमारे पास एक हफ्ता बाकी है। हाँ मौके से फायदा उठाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो, वाना ने यह मक्कारी का जाल सिर्फ इसलिए बिछाया है कि वो बादशाह के वफादारों को खत्म करके उसे कत्ल कर दे और तख्त पर खुद काबिज हो जाए। हसीना अब तुम बहुत जल्द मलका बनने वाली हो। सच? क्या सोचा है आपने? तुम ये खत लेकर हमारे दोस्त के पास जाओ, अब रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। हम चाहते हैं कि जिस रोज कमांडर सैफ और नासर को फांसी दी जाए हम तख्त और ताज पर कब्जा कर लें। इरादा तो नेक है मगर इस खादमा का ख्याल रहे। हम तख्त पर काबिज होते ही तुम्हारे सरताज होंगे और तुम हमारी मलिका। अपना वादा भूल तो न जाइएगा। हम वादा फरामोश नहीं, तुम हमें जानती हो। मैं सुबह होते ही रवाना हो जाऊंगी और ठीक वक्त पर पहाड़ी फौजें यहाँ पहुँच जाएंगी। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, जाओ आसमानी बलाएं तुमसे दूर रहे। ये लो और तैयारी करो,
सफर बहुत लंबा है। साथियों से कहो कि वो अल सुबह बुलंद दरवाजे पे मेरा इंतजार करें, हमें एक लंबे सफर पे जाना है। बहुत अच्छा। तुम भी कल मुंहधेरे बुलंद दरवाजे पहुंच जाना, देखें तो क्या चक्कर है। अच्छी सुबह की क्या बात है, मैं भी चला जाता हूँ। तुम यूं करना, मेरा बोरिया बिस्तर वहीं पहुंचा दीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। आओ आओ। हमें जनरल वाना का खत पहुंचाना है, सफर लंबा है मगर हम उसे दो दिन में तय कर लेंगे। सुर्खवादी यहाँ से 70 कोस के करीब है और रास्ते में हमें तरदम घोड़े चाहिए। वो इंतजाम हो गया है, आओ हमारे पास वक्त कम है। कहाँ गायब हो गई वो लड़की? है? अभी भी तो यही थी, ना जाने किधर गई। इन सब की तलाशी लो, शायद वो खातिन में से किसी के पास हो। हाँ इन सब की तलाशी लो, जो मर रहे हैं उनकी भी और जो मर चुके हैं उनके भी। निकालो वो खत। मेरे पास कोई खत नहीं। झूठ मत बोलो, वो खत मेरे हवाले करो वरना मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। मुझे अगर हाथ लगाया तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। हेलो दोस्त, हमें तुम्हारे इन मजबूत हाथों की बहुत जरूरत है। तुम इन औरतों को नहीं जानते, मैं इनका उस्ताद हूँ। बेहतर यही है कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। मैं तुम्हारी तरह गद्दार नहीं, मैं अपने साथियों को धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारी नजर में गद्दार की सजा क्या है? यही कि उसे जिंदा जला दिया जाए। तो लो
ये खत पढ़ लो, आप मुकर्रा वक्त पर पहुंच जाए। हाँ, हसीना को चलने से पहले खत्म कर देना, अब हमें इसकी जरूरत नहीं। रंज करने की जरूरत नहीं, अब तुम हमारे साथी बन जाओ और जैसे मैं कहूं उस पर अमल करो। मुझे क्या करना होगा? हमें यह खत इसकी मंजिल तक पहुंचाना होगा। तुम्हारी मौत ने इरादा बदल दिया है, अब ये किसी और की जान लेगी। तुम अगर मुझे धोखा भी दोगे तो मुझे रंज ना होगा। अब तुम कहीं गायब मत हो जाना, हमें तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तो नजरों से दूर रहकर भी हमेशा साए की तरह तुम्हारे साथ रहता हूँ, मेरी फिक्र ना करो। अरे मगर तुम्हारा नाम क्या? अजीब लड़की नुमा लड़का है, आवाज बहुत बारीक है मगर तलवार खूब चलाता है। माना ने ये भी कहा था कि ज्यादा फौज लाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही दस्ता काफी है क्योंकि सब खतरे दूर हो चुके हैं। इधर आओ इरशाद, हम सुबह होने से पहले अपने दोस्त की मदद को जाना चाहते हैं। जो हुक्म सरदार, हमारे मेहमानों के लिए तुर्की कहवा लाओ। हसीना, तुम हमारे पास बैठो, तुम लोग बैठ सकते हो। हसीना, तुम लिबास तब्दील कर लो। हब, हमारे दोस्तों के लिए रक्स का इंतजाम करो। बिंदुओं पर बंद हो मैं खाना, बिंदुओं पर बंद हो मैं खाना, या शमा से दूर हो परवाना, ये दोनों बातें झूठी हैं, ये दोनों बातें झूठी हैं। इश्क है सामा हजारों अपने इशरत खाने में, इश्क है सामा हजारों अपने इशरत खाने में, रक्स करे मौज और जवानी अपने हर पैमाने में, बेकैफ किसी की शाम रहे या खाली कोई दाम रहे, ये दोनों बातें झूठी हैं, ये दोनों बातें झूठी हैं। गाना या फिर माज उड़ाना है,
हमारे पास आओ। प्यार की खेल तन्हाई में खेले जाते हैं मेरे आका। हम समझे। तखलिया। साक्षियों से जाकर कहो कि वो इसी वक्त रवाना हो जाए और तमाम इंतजाम मुकम्मल कर ले। इसका बंदोबस्त मैं कर लूंगा। आपने उन्हें सब कुछ समझा दिया है ना? बस में तो आपको कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन हमें फिर भी होशियार रहना चाहिए। चलो। Thank you.
कौन लोग हैं जो हमारी इजाजत के बगैर दाखिल हो रहे हैं? ये मेरा दोस्त है और आज मेरी ताजपोशी में शरीक होने के लिए आया है। ताजपोशी? दगाबाज बेईमान, तुम मुझसे हुकूमत छीनना चाहता है? तुम ठीक कह रहे हो, तुम्हारा ये सर इफ्तार का बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा, इसलिए ये फर्ज मैं अपने जिम्मे ले रहा हूँ। गिरफ्तार कर लो गद्दार को। खामोश रहो, ये सब मेरे जानिसार हैं, तुम्हारी मौत मेरे एक इशारे की मुंतजर है। गुस्ताखी की इजाजत नहीं, गिरफ्तार कर लो इन्हें। मैंने आपको खत पहुंचाकर अपना फर्ज अदा कर दिया है मुअज्जज वाना। शाबाश, खुशामदीद दोस्त, इनकी मौत तुम्हारे हुक्म की मुंतजर है और उसके बाद अपने हाथों से ताज शाही को हमारे मुबारक सर की जीनत बना दो। मैं तुम्हारे सर पर ताज पहनाने नहीं आया, बल्कि तुम्हारे सर को तुम्हारे गंदे जिस्म से अलग कर देने के लिए आया हूँ। बात कमी Thank you.
ये तुम्हारे अप्पा हैं। ये तुम क्या कह रहे हो बाबा? एक गद्दार जालिम और बदम फरोश मेरा बाप नहीं हो सकता। मैं ठीक कह रहा हूं नादिर, ये तुम्हारे अब्बा है। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, एक बार मेरे सीने से लग जाओ, मेरे पास वक्त नहीं। एक बार पाको, एक बार पाको। बाबू, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। मुजरिम मौजूद है, कानून जो चाहे उसके साथ सलूक कर सकता है। हम शर्मिंदा हैं नादिर, हमें गलत उकसाया गया था। हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देना चाहते हैं। आपकी जरा नवाजी का शुक्रिया अलीजान। मैंने जो कुछ किया किसी इनाम के खातिर नहीं, सिर्फ अपना फर्ज समझकर किया। तुम यहाँ क्यों आई?
भागोगे अगर हमसे तुमको ये सजा देंगे जुल्फों से पकड़ लेंगे सीने से लगा लेंगे छेड़ोगे अगर को हम शोर मचा देंगे